बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ सियासी खेला कर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो दूसरी तरफ मणिपुर में जदयू को भी बड़ा झटका लगा है। उसके 6 में से 5 विधायकों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शारदा देवी की उपस्थिति में 5 विधायकों ने आज भाजपा में औपचारिक रूप से दामन थाम लिया है। भाजपा ज्वाइन करने वाले जेडीयू विधायकों में के एच जॉय किशन, एन सनाते, मोहम्मद अचाबुद्दीन, पूर्व पुलिस महानिदेशक एलएम खाउते और थंगजम अरुण कुमार शामिल हैं। एलएम खाउते और थंगजम अरुण कुमार ने विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट की मांग की थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलने पर दोनों जदयू में शामिल हो गए थे। उधर मणिपुर विधानसभा के सचिव के मेघजीत सिंह की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि अध्यक्ष ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत जदयू के 5 विधायकों के भाजपा में विलय को स्वीकार किया है। जदयू ने इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, इसमें से 6 सीटों पर जीत दर्ज भी की। इनमें से अब 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं, एक विधायक अभी भी जदयू में ही है। बहरहाल एक तरफ नीतीश कुमार के राष्ट्रीय राजनीति में जाने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा लगातार उनकी पार्टी में सेंध लगा रही है। जेडीयू को पिछले 9 दिनों में ये दूसरा झटका लगा है। इससे पहले 25 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में जदयू के एकमात्र विधायक तेकी कासो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए थे। जदयू ने 2019 में हुए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 7 सीटें जीती थी। चुनाव नतीजों में जदयू भाजपा के बाद राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि जदयू के 6 विधायक बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे।